सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल विच इज़ कोर्स वाइब। ये चैनल हैंडल होगा बाय माय मदर एंड मी बिकॉज ऑब्वियसली इट्स कोर्स वाइब। सो गाइस, होप आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरे न्यू चैनल को एंड आई नो पीपल विल लव इट बिकॉज कंटेंट बहुत अच्छा होगा एंड आई प्रॉमिस बहुत अमेजिंग व्लॉग्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स होंगे एंड बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा आपको सब्सक्राइब करने के लिए चैनल, बिकॉज हम बहुत अमेजिंग चीज़ें यहाँ पे लाने वाले हैं, अमेजिंग चैनल्स, बिकॉज ये होने वाला है इट्स ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग। एंड आज हम कहीं जा रहे हैं विच इज़ मजनू का टीला, बिकॉज आई लव इट, आई लव टिबेटन फूड। मैंने कभी ट्राई नहीं करा बट आज मैं ट्राई करूँगी बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल पुटिंग वीडियोज। सो गाइज, आई हैव अ वेरी गुड इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, सो आई होप यूट्यूब पर भी होगे, लोग सपोर्ट करेंगे मुझे एंड आप करेंगे सपोर्ट तो अच्छी वीडियो ज़रूर बनेगी। सो गाइज, आगे बने रहिए, आराम बताएगी जब हम मजनू की टीला में विजिट करेंगी, क्या देखा मैंने क्या नहीं देखा, एवरीथिंग विल बी देयर, सो स्टे ट्यून्ड। गाइज, हमारा आज का आउटफिट बहुत कम्फी होने वाला है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स बहुत ज़्यादा हॉट, गर्मी हो रही है, तो हमारा पूरा आउटफिट ये होगा। फुल लुक आपको मैं अभी दिखाने वाली हूँ। गाइस, हम आ चुके हैं और मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। भाई कितनी तरह हो पता, मैं हम लोग पिघल चुके हैं पर हम स्टिल जा रहे हैं ऑटो में। सो गाइस, हम मजनू का टीला आ चुके हैं। ये होता है जब आप सिर्फ व्लॉग बनाने आते हो और घूमने नहीं आते, दोनों के हाथ में सिर्फ कैमरा। किट्टू हमें ट्राई करके बताएगी कैसी थी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। स्पाइसी और बहुत ज़्यादा, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। स्पाइसी वैसे खाने में कैसा है? अच्छा है, ट्राई करना चाहिए आप लोगों को। बबल टी ट्राई कर रही है, बहुत अच्छी है, पहली बार ट्राई करी है, आप भी ट्राई करिए। सो गाइस, हम लोग अब जा रहे हैं नॉर्वेइंग रेस्टोरेंट एंड कैफे। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी है बिकॉज तो हमको बिल्कुल भी आदत नहीं है एंड सुबह तक ऑफिस हो गई। सो वैसे हमारा गाना हो चुका है और अब किट्टू मैडम भी चल रही है फोटोज। वो ये मैं टेक्निक सीख गई, अच्छा लग रहा है तो फोटो खींच रहा हूं। बिल्कुल मगे से आ चुके हैं और बहुत वेटिंग है। हम लोग अम्मास कैफे हैं, वेटिंग एरिया होता है, बुक करवाना पड़ता है टेबल। व्यू बहुत अच्छा है, खाना तो अच्छा है बट हम बहुत। रेट कर आउट ऑफ 10 अम्मास कैफे, ऑनेस्ट रिव्यू 7। और जो हम पहले वाले में गए थे अच्छा था, 8.5। अब हम नेक्स्ट जगह जाएंगे तो रेटिंग हम पक्का। सो गाइस, ये है यहाँ का कोरियन फूड, देख सकते हैं आप। सो गाइज, ये जो क्लिप है ये बहुत देर बाद की, बिकॉज आफ्टर मजनू का टीला जब मैं आई तो
बेसाथ बहुत बुरी चीज़ हुई कि एक्चुअली जो दुपत्तन स्टेयर्स होती है ना गाइस, हमारी एक नॉर्मल बनी होती है बट उनकी थोड़ी ऐसे टेढ़ी होती है बिकॉज उस तरह से उनकी स्टिक्ड होती है एकदम स्टेयर्स, बिल्कुल गैप नहीं होता उसमें। तो गाइस मैं वहाँ से बिल्कुल गिर गई थी, एक शॉप ही थी वहीं पे, उनकी स्टेयर्स ऐसी थी कि मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरे क्रैम्प आ गया पैर में, मेरे पूछे बैक में ऐसे नील पड़ गया बिकॉज मैं बहुत जोर के गिरी और मेरे को बिल्कुल भी दिखा नहीं। तो गाइस इतनी हालत ख़राब होती कि उसके बाद तो व्लॉग शूट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था बिकॉज मैं घर आके सीधा सो गई थी। एंड गाइज अगर आप वहाँ जा रहे तो प्लीज़ देख के जाइए मेरी तरह, डम मिस्टेक मत करना बिना देखे चल के, बिकॉज आगे स्टेप में मुझे लगा आगे भी स्टेप होगा बिकॉज एक स्टेप था फिर तीसरा स्टेप था, बीच में उनका गैप करके फिर एक और स्टेप था। तो गाइज प्लीज़ ये ध्यान रखना। अभी थोड़ा ठीक है, जस्ट मैंने गर्म पट्टी बांध रखी है और बैक तो बहुत दर्द है गाइज। Guys, hope आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का एंड हमने बहुत इन्जॉय करा इतने टाइम बाद मिले। एंड कोई भी गलती हो, कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ इतना मत करना, बिकॉज़